हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश नियमित शिक्षकों की भर्ती और इससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर डाल दी हैं। यहां पर शेयर की अमेजॉन की लिंक पोस्ट की वर्ग 3 की बुक्स, सी टेट की बुक्स, MPPSC की बुक्स सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। सबसे ज्यादा कमेंट जो आ रहे हैं वो आपके वर्ग 1 के काउंसलिंग को लेकर आ रहा है कि सर दिसंबर में प्रस्तावित थी, अब क्या या दिसंबर में होगी, या फिर जो आपके गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो जारी नहीं हो पाए तो उसके चक्कर में ये जनवरी में जा सकती है। तो इस बारे में बात करेंगे। साथ में वर्ग 2 वालों का भी यहाँ यही कहना है कि सर फिर हमारी काउंसलिंग का क्या होगा, तो उस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल जो आपके सामने एक अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र जो जारी नहीं हो पाए हैं उनके संबंध में संशोधित लेटर आया है, यानी कि संशोधित लेटर के अंतर्गत जो आपकी डेट्स हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। तो पहले मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा और फिर मैं आपको समझाने का पूरा तर्कों के आधार प्रयास करूंगा कि आपकी दिसंबर में काउंसलिंग हो सकती है क्या वर्ग 1 की, या फिर ये जनवरी में जाएगी। तो दोस्तों, जो कल का आदेश था 1 तारीख का तो नहीं था, 30 तारीख का था। तो 30 तारीख को ये आदेश जारी हुआ था आपके लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश दिनांक 30/11/2019 को, और इसके बाद यही कहा गया कि जनवरी में ही अब आपकी काउंसलिंग संभावित है, क्योंकि जब तक गेस्ट टीचर के अतिथि प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे उन्हें 25% का जो आरक्षण है, यानी 25% का जो आरक्षण है वो कैसे मिलेगा। तो ये अपने आप में फैक्ट है दोस्तों, है ना। तो इसमें लिखा है संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदन का सत्यापन 20/12/2019, है ना, 20/12/2019 तक जो है संकुल प्राचार्य वो सत्यापन कर देंगे आपके प्रमाण पत्र का, ठीक है। उसे ऑनलाइन कर देंगे, उसे सत्यापन कर देंगे, आपके जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाइड करके। अब वो कहां पर पहुंच जाएगा, सीधे डीओ ऑफिस के जो कंप्यूटर होता है उनके वहां पर पोर्टल पर। वो क्या करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर 30/12/2019 तक, यानी कि 30/12/2019 तक उन्हें भी फिर से वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाइड करना है कि जो जानकारी उनके पास आई है वो सत्य है, सत्यापित है, और अपने डिजिटल हस्ताक्षर करना है। यानी ये जो आपका प्रमाण पत्र है दो अधिकारियों के हाथ से गुजरकर बनेगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों, पहले हम इस चीज को समझ लें, क्योंकि आपकी जो डेट्स आगे बढ़ रही उसका कारण भी इसी में छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आपको कल दैनिक भास्कर सागर में एक न्यूज आई थी जो कि आपके इसी से संबंधित थी कि काउंसलिंग जो है आपकी 1 दिसंबर से शुरू होनी थी, उसमें दिया गया था। न्यूज थोड़ी पुरानी थी क्योंकि ये आपका 30 तारीख को एक आदेश जारी हो गया कि आप प्रमाण पत्र हैं, वो डेट्स आगे बढ़ गई है उनकी, संशोधित जो आदेश जारी हुआ था, ठीक है। तो एक उसमें आप पॉइंट पढ़ेंगे, आपने पूरी न्यूज पढ़ी होगी, सागर भास्कर में दिया हुआ था, उसका एक पॉइंट पढ़ेंगे, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये सागर जो भास्कर है आपका है 1 दिसंबर का, है ना, और इसके पेज नंबर किस पर दी गई है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सागर भास्कर में तो आपको मिल जाएगी ये 1 दिसंबर की। में इसमें लिखा है शासन ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने के बेहद सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। समझ रहे हो दोस्तों, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि ये जो आपकी जॉब है ना वर्ग 1 की, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, वर्ग 2 की कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप कंपटीशन या गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो अपने आप में छोटी तो होती ही नहीं है, क्योंकि लाइन लगी है लाखों लोगों की उस एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वर्ग 1 की आपके मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की आज की स्थिति में सबसे बड़ी पोस्ट है, उसमें आपके फर्जीवाड़ा रोकने के लिए गलत सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं, बहुत से लोग ये सोचकर चलते हैं, बहुत से लोग झूठे प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनुभव नहीं है, ना तो उन्होंने 3 साल पढ़ा है ना 200 दिन है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हमारा गेस्ट सर्टिफिकेट बन जाए जिससे कि हमें ये जॉब मिल जाए। इसको रोकने के लिए शासन बहुत ही संवेदनशील है दोस्तों, और इसलिए इसे डिजिटल लाइज किया गया है, यानी कि ये आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, आपके ऑफलाइन पूरे जो प्रमाण पत्र हैं वो पहले वेरिफिकेशन किए जाएंगे संकुल पर, उसके बाद फिर उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा, कहीं से कहीं तक उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कहीं से कहीं तक उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि फर्जी हो, वो पूरा चेक किया जाएगा संकुल पर। उसके बाद भी डीओ को ये हस्ताक्षर करने का अधिकार है, क्योंकि उनके पास फिर वो पूरी सूचना जाएगी, यानी कि संकुल पर वो वेरिफाइड हो चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी फिर जो ऊपर के अधिकारी हैं डीओ साहब हैं उनके पास वो पोर्टल पे जाएगी और फिर वो अपनी तरफ से उसे वेरिफाइड करेंगे, उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, तब आपका वो 25% वाला जिसका आपको लाभ मिलना है वो सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों।
ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जो अतिथि शिक्षक जनरल हैं, जिन्होंने 3 साल मेहनत की है, उससे ज्यादा मेहनत की है, 200 दिन मेहनत की है, उनकी मेहनत का हक कोई ऐसा मार ना ले जाए जिसने गेस्ट टीचर में पढ़ाया ही नहीं है, और कहीं से भी कोई ऐसा झूठा प्रमाण पत्र लगाकर बाई चांस वो नियुक्ति ले जाता है, तो उसके जो पीछे है, जिसने वाकई में मेहनत की है, आधे पेट खाना खा के स्कूल गया है, पूरा काम किया है, जानकारी बनाई है, और 3 साल या उससे भी अधिक वो पढ़ाता रहा है, उसे इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट इतने दिनों से क्या कर रहे थे, क्या वो पहले नहीं बना सकते थे, नवंबर में ये काम पूरा नहीं कर सकते थे? तो दोस्तों देखें कि इसमें तो समय लगता है, आपका पोर्टल धीमा था, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये है कि जिसकी हक की वो जॉब है उसे मिल जाए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है और आप लोगों भी यही चाहते हो। मुझे आप बताएं कि कोई SC ST OBC जो रिजर्वेशन मिलता है उनका कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है, ठीक है, अब कोई उस रिजर्वेशन में नहीं आ रहा है और वो झूठा सर्टिफिकेट बनवा ले, तो क्या उन SC ST OBC या फिर हैंडीकैप की भी झूठे सर्टिफिकेट कई लोग बनवाने की कोशिश करते हैं, हैंडीकैप या फिर गेस्ट टीचर, तो क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? दोस्तों भले ही प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन जो काबिल है, जो योग्य है, जिसने मेहनत की है, क्या वर्ग 1 की उसे जॉब नहीं मिलनी चाहिए? क्या वर्ग 2 में उसे जॉब नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और काबिल मेहनती आप सभी हो दोस्तों, तो आपका हक कोई मारे तो ये तो ठीक नहीं है ना। गेस्ट टीचर जो है वाकई में उसने पढ़ाया है, सही किया है, उसके सर्टिफिकेट बन रहे हैं दोस्तों, है ना। जो ये सोच के चल रहे थे कि हमने चाहे पढ़ाया हो ना हो, लेकिन हम कैसे ही सर्टिफिकेट वो हासिल कर लें 25% वाला और हमारी जॉब लग जाए, या फिर हम हैंडीकैप नहीं हो, हम हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लें, हमारी जॉब लग जाए, हम ST SC OBC से नहीं है लेकिन कैसे ही हम वो सर्टिफिकेट बनवा लें, हमारी जॉब लग जाए, या हमने DEd BEd नहीं किया है, हम कैसे ही वो सर्टिफिकेट बनवा लें, हमारी जॉब लग जाए, ये क्या उचित है? मैं आपको 2011 का एक उदाहरण दे देता हूँ। 2011 की भर्ती हुई थी 2013 में, उस समय उसमें भी 2-2.5 साल लगे थे। आप शिक्षा विभाग देखोगे ना, चाहे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं का भी देख लें आप, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, बिहार का, शिक्षा भर्ती में हमेशा समय लगता ही लगता है, और कॉम्पिटिशन के अलावा। बैंकिंग की बात करें बहुत जल्दी भर्ती होती है, लेकिन शिक्षा विभाग का आप देखोगे तो काफी समय लगता है, और ये हर प्रांत की बात है। मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दे रहा था, 2013 में एक भाई थे, उन्होंने आपके बीएड की फर्जी अंक सूची लगाने का प्रयास किया और काउंसलिंग में पहुंच गए वो, और जब वो पहुंच गए तो आपका जो नामांकन क्रमांक होता है यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है, वो नामांकन क्रमांक की फाइल यूनिवर्सिटी में होती है आपके नाम की, उसमें आपने उस यूनिवर्सिटी से जितनी भी डिग्री की है उसकी जानकारी और एक उसकी कॉपी उसमें लगी होती है, ठीक है, तो जो आपका नामांकन क्रमांक है वो उस यूनिवर्सिटी से अटैच होता है। अब जो अधिकारी था जो अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये बीएड की जो मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने वो नामांकन क्रमांक लिया और यूपी की कोई यूनिवर्सिटी थी वहां पर उन्होंने कॉल किया और कॉल करके कहा कि इस नामांकन क्रमांक का व्यक्ति आपके यहाँ से बीएड किया है क्या? वहां से जवाब मिला कि इस नामांकन क्रमांक का तो कोई फाइल ही नहीं है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये पूरी झूठी है, फर्जी है। तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई वो ठीक है, लेकिन बाई चांस यदि वो इतने सजग नहीं होते अधिकारी और उन्हें बाई चांस ज्वाइनिंग मिल जाती तो एक इनोसेंट व्यक्ति वहां पर मारा जाता दोस्तों, क्योंकि उसका हक छिन जाता सीधा। तो यदि आपकी डेट्स आगे बढ़ रही है और कारण बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जैसे दिसंबर में कहा गया था और जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती तो ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी नवंबर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और कारण मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी तो आप देखें बहुत से लोग पकड़े होंगे आपके जब वेरिफिकेशन में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो लगे हुए हैं कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बन जाए, आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि दिव्यांग जो भाई बहन हैं उनका हक मारने के पीछे पड़े हैं। गेस्ट टीचर बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है, दिन रात वहां पर जा रहा है, अपनी जानकारी बना रहा है, पढ़ा भी रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है, ना ठंडे देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना बरसात देख रहा है, आपका सारा काम कर रहा है, उसका हक मारने के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया इसका सर्टिफिकेट हमें कैसी ना कैसी बन जाए, तो ये टोटल गलत है दोस्तों, और इससे मुझे दुख होता है। मैं हमेशा उन लोगों से अपील करता हूं कि ऐसा कुछ कर रहे हो प्लीज मत करो, क्योंकि ये एक क्राइम है, आप पकड़े हो गए तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यदि आप नौकरी में नहीं आए तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, अच्छे से तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन इस फर्जीवाड़े में यदि आप पकड़े गए
तो आपकी लाइफ टोटली खत्म है, बर्बाद है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो इसे रोकने के लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है आपकी भर्ती को लेकर। आपको मालूम है कोर्ट केस चल रहा है इंग्लिश की एग्जाम पे। इंग्लिश का जो रिजल्ट नहीं आता तो आपका वर्ग एक का जो रिजल्ट है वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता, आपकी भर्ती तो वैसे ही अटक जाती जब इंग्लिश का रिजल्ट आता। और रिजल्ट कब आता? जब आपका कोर्ट केस फाइनल हो जाता है ना, फाइनल डिसीजन आ जाता। तो आपका जब तक इंग्लिश का रिजल्ट ही नहीं घोषित होता तो आपका प्रक्रिया तो अटकी होती। तो उन्होंने एक वहां पर रास्ता निकाला कि जिन्होंने कोर्ट में आवेदन लगाया है उनका रिजल्ट घोषित ना करके, जिन्होंने नहीं लगाया है, जो उस प्रक्रिया का समर्थन में है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि हमने एग्जाम दिए हैं, हम पास हुए हैं, फेल हुए, हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम काउंसलिंग में भाग ले सके, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया। यहां पर पीएबी ने अपना पूरा काम कर दिया, आपको रिजल्ट दे दिया, वर्ग एक का रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या है, शिक्षा विभाग का काम है। तो शिक्षा विभाग ही आपके अतिथि शिक्षक जो हैं प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद ही वो प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चांस ऐसे भी हैं दोस्तों कि इस महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, उसमें पूरे निर्देश लिखे होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सब उसमें डिटेल्स में बताया होगा। यदि कहीं भी कोई कमी है तो अभी आप पूरा कर सकते हैं उस विज्ञप्ति के बाद, क्योंकि विज्ञप्ति जारी हुई आप समझ जाओगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, क्या प्रोसीजर है, वो आप बिल्कुल उससे करेक्ट कर लोगे अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है, और विज्ञप्ति जारी होने का मतलब है कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर ठप्पा लग जाना दोस्तों, है ना। तो कल मैं ऑनलाइन भी आया था, काफी दुखी था, बहुत से लोगों ने पूछा भी कि सर इतने मायूस क्यों दिख रहे हैं। तो मायूसी यही थी दोस्तों कि मैं भी सोच रहा था कि दिसंबर से आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाए और बीच में ये आ गया। तो मैं इस पे वीडियो इसलिए भी नहीं आया कि मैं आपको इसमें क्या नया बताऊंगा, क्योंकि जनरल चैनल बहुत से हैं जिन्होंने आपके पास वो खबर लेके आए और आपको पूरा प्रयास किया समझाने का कि इसके पीछे क्या तर्क है। तो बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे गलत चीजें ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, इससे किसी का लाभ नहीं, उनका खुद का नुकसान होगा स्वयं का, क्योंकि डिजिटल रूप में आपके प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन हो रहे हैं, पूरे प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो रहे हैं, सेंटर पर जाकर ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन हो रहा है, कहां तक आप बचोगे, कहीं ना कहीं तो आप फंस ही जाओगे। तो ऐसे फंसने से अच्छा है कि आप किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। आपके पास सी टेट है, यूपी टेट है, आपके एमपी टेट वर्ग 3 है, उसकी तैयारी करो, है ना दोस्तों। तो ये जनरल चीज है, और ऐसे बहुत से लोग जो मेरा वीडियो से जुड़े हैं, मैं तो आपसे बात करता हूं, आपने मेहनत करके बीएड डीएड किया है, आपने प्रयास करके अपने पढ़ाई जारी रखी और अच्छे नंबर लेकर आए हैं, तो क्या आपसे लोग सीख नहीं सकते, क्या आपसे लोग प्रेरणा नहीं ले सकते? आपके जीवन में भी तो कोई कठिन परिस्थितियां थी। मैं तो नहीं मानता कि बिना कठिन परिस्थितियों के आपने पढ़ाई की होगी। आपके घर का प्रेशर होगा, आपकी जो कंडीशन होगी फाइनेंशियली वो इतनी अच्छी नहीं होगी, कहीं आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो उसके बाद भी आपने समय निकाला होगा, तो आपसे नहीं सीखना चाहिए क्या लोगों को? तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, काफी दुख होता है ऐसे लोगों को। आप देखो कमेंट बॉक्स में मेरे पढ़ो, कौन इंसान कहां से गुजर के कहां तक पहुंच रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, अच्छी रैंकिंग लेके आ रहा है, उसके बाद वो अपने सर्टिफिकेट की दम पर सोच रहा है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। वहां कोई ऐसी चीज लेके आ जाए कि नहीं हमें गेस्ट टीचर हम हो ना हो लेकिन हम कैसी न कैसी कुछ करके उसमें जरूर ऐड हो जाएंगे, या हम हैंडीकैप में ऐड हो जाएंगे, या कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के उसमें ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। जो जनुअल है, जो उसका हकदार है, उसे ही वो जॉब मिलनी चाहिए, उसे ही वो पोस्ट मिलनी चाहिए। और ये शासन ने आपके अखबार के माध्यम से भी बताया है कि पूरा संवेदनशील है, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी त्रुटि ना रह जाए जिससे किसी हकदार का जो वो हक है वो उससे चला जाए, उसकी मेहनत चली जाए। तो इसके लिए इसमें समय लग रहा है दोस्तों, तो आप टेंशन ना लें। आपकी जब एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट घोषित हुआ है, ज्वाइनिंग आपकी होगी ही होगी। मुझे भी थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि मैं काफ़ी खुश था कि दिसंबर में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और आगे चलकर आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मेरा भी पूरा काम हो चुका था और मुझे लगा कि वीडियो, क्योंकि मैं भी ऐसे वीडियो ला के एकदम से ऐसा हो गया हूँ कि यार अब मैं आगे क्या बताऊँगा आपको, कि
इस पे वीडियो लाते लाते जितना आप बोर हो गए ना देखते देखते वीडियो कि शिक्षा भर्ती पर डेली वीडियो आते हैं और आप भी देखते हो और एकदम बोरियत सी हो जाती है, वैसी मुझे बनाते बनाते भी बोरियत सी होने लगी है कि भाई मैं आपके सामने बताऊं कि ये सर्टिफिकेट लगेंगे, ऐसी प्रक्रिया होगी, इन बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी उसे रिपीट करता जाऊँ तो इसमें कुछ नया तो हो नहीं रहा है। तो कभी कभी मन में आता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ और क्यों, मतलब आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि दिसंबर में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, जनवरी में आपकी भर्ती हो जाएगी, उसके बाद वर्ग दो की काउंसलिंग हो जाएगी, आपकी सबरी जो सब है वो सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद सभी फ्री हैं, अपना जो है खुशी का पल एंजॉय करेंगे और वर्ग तीन की जो है मैं आगे की प्रोसेस में लगा हुआ हूँ कि कैसे क्या करना है, तो उसमें भी मुझे लाभ मिल जाएगा, तो वीडियो की वहाँ पर मेरी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन लाना इसलिए पड़ा कि सबने यही कहा कि सर आप तो इस पर बनाएं, आपने काउंसलिंग कहा दिसंबर में हो रही है, अब वो जनवरी में जा रही, तो इस पर कुछ तो बोले आप, तो डेफिनेटली फिर वीडियो लाना पड़ा। तो ये है कि दिसंबर में आपका विज्ञप्ति बिल्कुल जारी हो सकती है दोस्तों, आपके सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं उसके साथ साथ आपकी वेरिफिकेशन भी ले सकती है गवर्नमेंट, ये उनके पास हक है, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। वेट तो आप कर ही रहे हैं लेकिन साथ में कहीं और ऐसा मन लगाएं कि किसी और कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे एमपीपीएससी है उसकी तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है यूपीटेट के एग्जाम है, और इसके अलावा भी जो अपकमिंग एग्जाम है एमपीटेट वर्ग तीन उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। मीन्स थोड़ा अपने आप को सचेत रखें, थोड़ा अपने आप को बिजी रखें, तो ये है कि ये जो आप इंतजार कर रहे हैं ये आपका मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये मैं मानता हूँ, और इतने सालों से करीबन एक साल तो हो चुका है भर्ती निकले, तो आप वेट कर रहे हो तो उसका बहुत बड़ा एक कहते हैं कि आपने तो इतना वेट कर लिया। बहुत से लोग ये है कि हताशा और निराशा के बीच में झूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें निराशा या हताशा के बीच में नहीं रहना है, ना उनके बीच में झूलना है, हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना है, सकारात्मक सोच के साथ रहना है, हमारी पढ़ाई के साथ रहना है, अपकमिंग एग्जाम के साथ रहना है, उसकी तैयारी हमें करनी है कैसे भी, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो एक अपील के तौर पर था, आप मुझे एक अपना परिवार का सदस्य मानते हैं तो ये अपील मेरी जरूर माने कि अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखें, उस पर बिल्कुल भी असर न पड़ने दें, क्योंकि आप खुद जानते हो कि कहीं भी शिक्षक भर्ती हो उसमें समय लगता ही लगता है, आप कहीं के भी राज्य के, मध्य प्रदेश से मतलब नहीं किसी भी राज्य का उदाहरण ले लें, समय इसमें लगता ही लगता है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।